नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइट हाउस प्रोजेक्ट से। और दोस्तों, अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है बन रहा है यहाँ पे, तो आइए आप सभी को दिखाते हैं कि ये कहाँ पे बनाया जा रहा है और इसका क्या पर्पज़ है, किस लिए बनाया जा रहा है, सारी चीज़ें आप सभी को दिखाते हैं। अभी इसका एक्सकर्शन चल रहा है, तो आइए आप सभी को दिखाते हैं गाइस। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये STP है यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी आप सभी के घरों से वेस्ट वाटर आएगा उसको यहाँ पे स्टोर किया जाएगा और यहाँ से ये सेडिमेंटेशन टैंक होगा जो कि फ़िल्टर होगा और फिर ये रिसाइकल रीयूज होगा। तो उसके लिए टैंक बनाया जा रहा है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये टैंक यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये टैंक जो है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लॉक A2 है, ये ब्लॉक A2 है आपका, ब्लॉक A2 और ब्लॉक B के बीच में है। ब्लॉक A2 के देखिए साइड में है और ब्लॉक B के पीछे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लॉक B है, तो ब्लॉक B के पीछे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहीं पे आपको पार्क भी दिया जाएगा गाइस। तो यहाँ पे जो वाटर होगा उसको, ये वेस्ट वाटर को स्टोर करके और उसको ट्रीट करके फिर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे इस लोकेशन पे आपको पार्क भी मिलेगा, तो इसके नीचे यहाँ पे प्लांट बनाया जा रहा है गाइस। तो अभी इसका यहाँ पे देख सकते हैं एक्सकवेशन ही चल रहा है और एक्सकवेशन होने के बाद में फिर इस पर यहाँ पे देख सकते हैं ये वाइट चूने से यहाँ पे मार्किंग किया गया है और उसके बाद में इतना एरिया इसका होगा। और एक्सकवेशन करने के बाद में फिर इस पर PCC किया जाएगा कॉम्पैक्ट करके सॉइल को। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कॉम्पैक्टर भी आ गया है और कॉम्पैक्टर से सॉइल को पूरा कट करने के बाद में इस सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जाएगा और कॉम्पैक्ट करने के बाद पे इस पर गाइस PCC होगा और PCC होने के बाद में फिर इस पर राफ्ट होगा, राफ्ट का स्टील बांधा जाएगा और उसके बाद में फिर राफ्ट की कास्टिंग होगी, उसके बाद में फिर इसके शेयर बाल्स लगाए जाएंगे, उनकी कास्टिंग होगी। तो ये सारा प्रोसीजर जैसे जैसे होता जाएगा गाइस, ये हम आप सभी को दिखाते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सकवेशन ही चल रहा है और ये अपडेट है इसका। ये चलते हैं आगे, बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको। और ये देख सकते हैं गाइस स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस और सामने इसके लिफ्ट है, देखिए ये ब्लॉक A2 का है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बाउंड्री वॉल का काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है इस पोर्शन में। और ये पूरा एरिया कवर हो गया है बाउंड्री वॉल से, आगे का कुछ पोर्शन रह गया है बाउंड्री वॉल का, जिसके लिए अभी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जगह खाली नहीं हुए, पानी की वजह से उसका वर्क नहीं हो पाया है, तो उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट किया जा रहा है जैसे ही स्पेस होता जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ से पूरा साइट आप सभी को दिखता है, ब्लॉक B आपके सामने है और ब्लॉक B और एकदम सामने जो आपको दिख रहा है वो ब्लॉक D है गाइस, और ये ब्लॉक A2 है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लॉक A1 आपके सामने है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क अभी तक हो चुका है। ये आपके सामने जो है ये ब्लॉक A1 है, ब्लॉक A1 में अभी तक सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉलम और बीम भी लग चुके हैं 12 फ्लोर तक के लिए, और स्लैब और फ्लैट्स भी कास्टिंग यहाँ पे 3rd फ्लोर पे कंप्लीट हो गया है। बाकी ब्लॉक D में और ब्लॉक C में, इनमें सिमिलर वर्क लगभग चल रहे हैं गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा ब्लॉक वाइज। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कॉलम को किस तरीके से, कॉन्क्रीट कॉलम को RCC कॉलम से या PB के कॉलम से कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट को यहाँ प्रीकास्ट कर दिया गया पहले से ही RCC कॉलमों में, यहाँ पे देख सकते हैं। और एंकर बोल्ट कास्ट होने के बाद में फिर ये PB के कॉलम जो है इनको लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए प्लिंथ बीम ही है साथ में, और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 25 mm का गैप है दोनों कॉलम्स के बीच में। यहाँ पे हम लोग ग्राउटिंग करेंगे, ग्राउटिंग करके इसको फिल करेंगे, जिससे कि इनके बीच का जो जॉइंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ बोल्ट को यहाँ पे कास्ट किया गया है गाइस, जैसे आप देख पा रहे हैं, और इन्हीं के ऊपर इन कॉलम्स को लगाया जा रहा है। तो इनको हम कनेक्ट करेंगे अल्ट्राटेक या JP2
के ग्राउटिंग मटेरियल से, तो उसका भी कई सारा वीडियो हमने आपके लिए डाला है जो ए ब्लॉक और सी डी ब्लॉक में हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी आगे का काम जो होगा उसके लिए भी हम आप सभी के वीडियो बनाते रहेंगे और आप सभी को अपडेट करते रहेंगे, तो ये देख सकते हैं गाइस। और इसी तरीके से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के डेली अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर नए हैं, और देखते रहें इस नई टेक्नोलॉजी पर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को। मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।